पाठ पांच। ईमानदार शंकर। एक गांव में एक बालक रहता था, उसका नाम शंकर था। उसमें एक बड़ा गुण था, वह बहुत ईमानदार था। सदा सच बोलता था, कभी भी झूठ नहीं बोलता था। गांव वाले उसे बहुत प्यार करते थे, वह सदा गांव वालों की मदद किया करता था। शंकर मेहनत से कभी भी जो न चुराता था, कड़ी मेहनत करना उसका स्वभाव था। वह श्रम करके ही धन कमाना चाहता था, वह हर तरह का काम कर सकता था। एक दिन वह धन कमाने के लिए गांव से नगर की ओर चल पड़ा। गर्मी का मौसम था, मार्ग में आमों का एक बड़ा सा बाग था। वह पैदल चलते चलते थक गया था। उसने आम के पेड़ के नीचे कुछ देर आराम किया, फिर वह नगर की ओर चल दिया। कुछ ही देर में वह नगर में प्रवेश कर चुका था। वहां उसे कोई नहीं जानता था। वह नगर में किधर जाए और कहां काम ढूंढे, कोई भी उसे नौकरी देने को तैयार न हुआ। शंकर भीख मांगना बुरा काम समझता था। वह सोच में पड़ गया, कहां जाए और अब क्या करे। परेशान था, उसने सोचा रात पानी पी कर ही बिता दूंगा। पास में हो उसे एक हलवाई की दुकान के आगे तख्ता लगा दिखाई दिया। वो मुस्करा उठा, वो उसी तख्ते पर लेट गया। थका हुआ तो था ही, लेटते हो नींद आ गई। सवेरा हुआ, दिन के उजाले में शंकर की नजर 5 रुपये के एक नोट पर जा पड़ी। वह वही तख्ते के पास पड़ा था। उसने न जाने क्या सोचकर वह नोट उठा लिया। अब वो उस हलवाई की राह देखने लगा। कुछ समय बाद हलवाई वहां आ पहुंचा। उसने अपनी दुकान खोली। दुकान की ओर उसने एक बालक को आते देखा। वह बालक शंकर था। उसके हाथ में 5 रुपये का नोट था। शंकर ने 5 रुपये का नोट दुकान के मालिक के आगे कर दिया। हलवाई ने समझा कि यह बालक सौदा लेना चाहता है। उसने पूछा, क्या चाहिए? कुछ भी तो नहीं, ये 5 रुपये का नोट आपका है। कल शायद दुकान बंद करते समय ये तख्ते पर रह गया था, शंकर मुस्करा कर बोला। शंकर की ईमानदारी पर हलवाई बड़ा प्रसन्न हुआ। वो उसे एक मेहनती बालक लगा। ईमानदारी तो वह पहले ही सिद्ध कर चुका था। दुकानदार ने उसे अपनी दुकान पर काम पर रख लिया। शंकर को और भला क्या चाहिए था। वह बड़ा ही प्रसन्न दिख रहा था। उसे काम मिल गया था। हलवाई उसे अपने बेटे के समान समझने लगा था। वह उस पर पूरा भरोसा करता था। अब तो वह तरह तरह को मिठाइयां बनाना भी सीख गया था। वह अब वहां सुख और आनंद से रहने लगा। सच है, ईमानदारी सुख की खान है।